हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केवल 2 घंटों में क्रिस्टल क्लियर स्किन पाने के कुछ आसान उपायों के बारे में। धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन के कारण झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, डार्क सर्किल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और कम उम्र में अधिक उम्र के नज़र आने की समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज इस वीडियो के जरिए आप ये जानेंगे कि इन सारी बीमारियों से नेचुरली कैसे छुटकारा पाया जाए। इस वीडियो में बताए गए मास्क को लगाने के कुछ समय के बाद से ही आपके स्किन में बहुत बदलाव नजर आने लगेंगे। यह मास्क बनाना बहुत ही आसान है, बस यहाँ बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और आप पा सकते हैं अपने मनचाही स्किन टोन। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है ड्राई स्किन के लिए फेस मास्क। इसके लिए अनार के छिलकों को धूप में सुखाकर उसका बारीक पाउडर बना लिए, परंतु इसका ऊपरी भाग फेंक देना चाहिए, यह हमें नहीं चाहिए। इस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर, 1 चम्मच शहद, 3 से 4 बूंदे नींबू का रस, 1 चम्मच दही, 1 टेबलस्पून टमाटर का रस, 2 टेबलस्पून फुल क्रीम मिल्क। अब जानते हैं इस फेस पैक को बनाने की विधि। सबसे पहले अनार के छिलकों के पाउडर में शहद मिलाएं और उसमें फिर दही मिलाएं और फिर इसमें दूध मिलाएं। दूध मिलाने के बाद इसमें टमाटर का जूस मिलाएं और फिर नींबू का रस मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। सभी को एक साथ मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। करीब 20 मिनट से लगा करके आधे घंटे तक इसे अपने चेहरे पर लगा के रखें। तकरीबन आधे घंटे के बाद नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसे साफ कर लें और अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर लगाएं। इस फेस पैक से आपकी ड्राई स्किन स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है और आपके चेहरे की रंगत में भी निखार आने लगता है। नेक्स्ट फेस पैक है ऑयली स्किन के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर, 1 चम्मच शहद, कुछ बूंदे नींबू का रस, ज़रूरत के अनुसार गुलाब जल पेस्ट बनाने के लिए। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर आधे घंटे तक लगा कर रखा है। आधे घंटे के बाद साफ पानी से अपना चेहरे को धो लें। इस पेस्ट के इस्तेमाल से चेहरे की फाइन लाइन खत्म होती है, आपकी स्किन की एजिंग रुक जाती है, चेहरे के डार्क स्पॉट कम होने लगते हैं, आंखों के आसपास के डार्क सर्किल दूर होने लगते हैं और आपके चेहरे में निखार आने लगता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का ग्रह सोनाली नुस्खा। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। इसी तरह के नए नए अपडेट्स जानते रहने के लिए मेरे इस ग्रह सोनाली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।